हाँ, भारतीय भूगोल ऊर्जा परिदृश्य पढ़ रहे हैं हम। आज हम परमाणु विद्युत पढ़ेंगे। आज दोपहर में गाड़ी लेके कहीं जा रहा था तो पीछे मेरी कार पीछे थी। मेरी कार के जस्ट आगे एक ट्रक वाला जा रहा था, मेरे ही दिशा में, मेरे से आगे आगे चल रहा था। और मैंने नोटिस किया तो ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ था। ट्रक वालों को अपने ऊपर बहुत नाज आता है, उन्हें हमेशा लगता है कि लोग मुझसे जल रहे हैं। ट्रक वालों को ऐसा क्यों लगता है? खासकर भारतीय ट्रकों में ऐसा ज्यादा होता होगा। तो उसके पीछे लिखा हुआ था, जलो लेकिन दीपक की तरह। संदेश बड़ा अच्छा था। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ने को मिल जाती हैं। उसने लिखा था कि जलो लेकिन दीपक की तरह। तो मैंने कहा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जाती हैं, देखने को ट्रक के पीछे। और भी बहुत सी लाइनें पढ़ता रहता हूँ। कुछ दिन पहले से ही जा रहा था तो लिखा हुआ था, जलो मत स्पर्धा करो, यानी आगे बढ़ो। तो ये मैंने उन लोगों को सुनाया, उन लोगों के लिए सुनाया। कुछ लोग बेतरतीब कमेंट करते रहते हैं, वो जबकि मुझसे पढ़ाई भी नहीं करते हैं। पढ़ाई करते कमेंट करते तो समझ में आता, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ भड़ास निकालने चले आते हैं। एक दो लोग ऐसे होते हैं। हालांकि एक दो लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अफसोस होता है कि जीवन कितना मूल्यवान है और इसका दुरुपयोग किसी से जल के कोई क्यों कर सकता है। किसी से जल के, किसी से ईर्ष्या करके, किसी को पीछे छोड़ने का प्रयास करना, किसी को नीचा दिखाना, ये जलना होता है। और वास्तव में ऐसा जब इंसान करता है तो दूसरे का नुकसान नहीं करता है, वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है। अभी मैं किसी से जलने लगूं, ईर्ष्या करने लगूं, वास्तव में उसी दिन मेरा पतन शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक बढ़ना चाहिए। दूसरे की लाइन को छोटा मत करिए, अपनी लाइन को बड़ा करिए। ये भी बहुत अच्छा संदेश होता है। तो लाइफ में हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, है ना? फूल की तरह रहिए। फूल चारों तरफ खुशबू बिखेरता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सबको एक समान खुशबू देता है। प्रकृति में जितनी चीजें हैं, हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे सीखते रहना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु बिजली, न्यूक्लियर एनर्जी। भारत में परमाणु विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कूडानकुलम के दोनों रिएक्टरों के काम करने के बाद, भारत में रूस द्वारा तमिलनाडु के कूडानकुलम में दो रिएक्टर स्थापित किए गए हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर। तो हाल ही में ये दोनों रिएक्टर जो रूस द्वारा स्थापित किए जा रहे थे, काम करने लगे हैं, जलने लगे हैं। 1,000 मेगावाट के थे दोनों दोनों रिएक्टर, 1,000 मेगावाट के थे, ऐसा बताया जाएगा आगे। तो भारत में परमाणु विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कूडानकुलम के दोनों रिएक्टरों के संचालित होने के बाद 2017 में 6,780 मेगावाट हो गई है। अर्थात कूडानकुलम के दोनों रिएक्टर जब नहीं काम करते थे तो भारत में परमाणु विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 4,780 मेगावाट रही होगी। लेकिन 1,000 मेगावाट के कूडानकुलम के दोनों रिएक्टर जब चलने लगे तो विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट हो गई, है ना? भारत ने रूस के साथ मिलकर तमिलनाडु के तिरुनेवेल्ली जिले के कूडानकुलम में दो परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का समझौता 2002 में किया था। इसके तहत ये तय हुआ था कि रूस और भारत मिलकर, मतलब टेक्नोलॉजी रूस की रहेगी और आधारभूत स्ट्रक्चर कौन देगा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करेगा भारत और टेक्नोलॉजी रूस की रहेगी। तो दोनों ने मिलकर समझौता किया था कि कूडानकुलम, तिरुनेलवेली जिले के कूडानकुलम में 1,000 मेगावाट के दो परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। ऐसा समझौता 2002 में हुआ था। ये दोनों रिएक्टर काम करने लगे हैं। देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता में ताप विद्युत का योगदान, जब हम ऊर्जा परिदृश्य का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों का योगदान बताया था, आपको याद होगा, लिखा भी होगा आपने। तो भारत में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता में ताप विद्युत का योगदान 67% है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 17% है। हाइड्रो पावर का योगदान 14% है। इसके बाद परमाणु विद्युत का योगदान 2% है। परमाणु विद्युत का योगदान 2% है। ना? इस प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार ताप विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत के बाद परमाणु विद्युत का योगदान, सॉरी परमाणु विद्युत का चौथा स्थान आता है ना? चौथे स्थान पे बिजली उत्पादन के मामले में इस क्षेत्र का। हाँ,
वर्तमान में देश में कुल 22 रिएक्टर संचालित हैं, कार्यरत हैं, सक्रिय हो गए हैं। कितने? 22 रिएक्टर। वर्तमान में देश में कुल, ऐसे लिखिए इसको, कुडानकुलम के दोनों रिएक्टरों के क्रियाशील होने के बाद अब हमारे देश में कुल 22 रिएक्टर, 22 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 6780 मेगावाट है। 21वां और 22वां परमाणु रिएक्टर कुडानकुलम बिजली घर में लगा हुआ है। 21वां और 22वां रिएक्टर कुडानकुलम बिजली घर, जो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, परमाणु बिजली घर, उसमें रिएक्टर स्थापित किए जाते हैं। तो बिजली उसमें जो एनर्जी का जनरेशन होता है वो रिएक्टर में होता है। रिएक्टर में क्या किया जाता है? यूरेनियम का दहन किया जाता है, कंट्रोल्ड, अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित दहन किया जाता है। यूरेनियम का अगर अनियंत्रित दहन होगा तो परमाणु बम बन जाता है। रिएक्टर में यूरेनियम का नियंत्रित दहन किया जाता है, उससे जो ऊर्जा निकलती है फिर टरबाइन चलाकर बिजली बनाया जाता है। पास में ही तो एक बिजली घर में कई परमाणु रिएक्टर हो सकते हैं। अगर बड़ा लक्ष्य है, पावर प्लांट बड़ा है, तो कई रिएक्टर स्थापित करो उसमें और ज्यादा बिजली पैदा करो, है ना। तो एक बिजली घर में कई रिएक्टर हो सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भारत में परमाणु बिजली घर कितने हैं, भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? 8 हैं। इन 8 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 ही हैं। लेकिन इन 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टोटल 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, यानी एक पावर प्लांट में 2 या 3 रिएक्टर भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो 21वां और 22वां परमाणु रिएक्टर कुडानकुलम बिजली घर में स्थापित है। भारत में परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए पॉलिसी यानी नीतियां बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग, न्यूक्लियर पावर कमीशन, न्यूक्लियर पावर कमीशन की स्थापना 1948 में की गई। परमाणु बिजली के उत्पादन हेतु नीतियां बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर कमीशन की स्थापना 1948 में की गई। इसके बाद परमाणु ऊर्जा का काम प्रारंभ करने के लिए, इसके बाद परमाणु विद्युत उत्पादन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। ये दोनों तिथियां अक्सर पूछती हैं, तब कुछ पूछा जाता है। हाँ, भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान यानी न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, परमाणु बिजली अगर बनाना है तो रिसर्च करना पड़ता है पहले कि यूरेनियम का दहन कैसे किया जाएगा, रिएक्टर कैसे स्थापित किए जाएंगे, रिएक्टरों को संचालित कैसे किया जाएगा, जब उसमें यूरेनियम का दहन होगा तो उसे ठंडा कैसे रखा जाएगा, ठंडा नहीं रखा जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा। तो बहुत सारा कुछ अनुसंधान करना पड़ता है, बिना अनुसंधान की हम संभावनाएं नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अनुसंधान यानी प्रयोगशाला एक तरह से कह सकते हैं। तो अनुसंधान करने के लिए बहुत सारा उपाय करना पड़ता है, तब जाके काम प्रारंभ हो पाता है ना। तो भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान यानी न्यूक्लियर पावर रिसर्च के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से ही भारत में परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ था। और होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से ही, दूसरा सेंटेंस में जोड़ दीजिएगा इसको, और होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से ही 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। ये ठीक है, यानी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, यानी इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान कार्य की शुरुआत हुई और इन्हीं के प्रयास से परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने के लिए, परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक अनुसंधान सेंटर की स्थापना की गई। उसका नाम क्या रखा गया? भाभा एटॉमिक। तो भारत में परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना ट्रॉम्बे में की गई, जो कि मुंबई के निकट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का शॉर्ट नेम क्या होता है? बार्क, BARC। बार्क कहाँ पे है? मुंबई के निकट ट्रॉम्बे में। नेक्स्ट, ट्रॉम्बे में ही भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। ट्रॉम्बे में ही भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर स्थापित हुआ, उसका नाम था अप्सरा, कार्यशील हुआ। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहां पे कार्यशील हुआ? ट्रॉम्बे में। उसका नाम क्या था? अप्सरा। नेक्स्ट, भारत में
यानी पहले परमाणु रिएक्टर, परमाणु विद्युत संयंत्र, सॉरी, भारत में पहले परमाणु विद्युत संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में अमेरिका की सहायता से की गई। भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहां स्थापित हुआ? अमेरिका के तारा, सॉरी, महाराष्ट्र के तारापुर में। कब? 1969 में। किसके प्रयास से? अमेरिका की सहायता से। ठीक है, 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें इसका सवाल ना पूछे गए हो। नेक्स्ट, इसी के साथ 1969 में भारत में परमाणु बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया। भारत परमाणु बिजली का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1969 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, 8 परमाणु विद्युत गृह हैं, यानी परमाणु बिजली घर। ठीक है, वर्तमान भारत में कुल 8 परमाणु बिजली घरों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें भारत के 22 परमाणु रिएक्टर क्रियाशील हैं। ठीक है, आइए इन 8 परमाणु बिजली घरों के नाम और उनकी विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ स्थान लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखा हुआ संबंधित विशेषताएं। आइए, पहला, महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापना 1969 में अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ। दूसरा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के राउतभाटा में कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ। दूसरा परमाणु बिजली घर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ। इसके बाद गुजरात के सूरत में काकरा पार में, हम ये सीरियल वाइज नहीं है, जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज ही हो। नेक्स्ट, गुजरात के सूरत में काकरा पार नामक स्थान पर। अगला, जैतपुरा परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। जैतपुरा परमाणु बिजली घर कई बार पूछा गया है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट, नरोरा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। इसका डेट याद रख लीजिएगा, चूंकि यूपी स्पेशल का है, 1989, आगे यूपीएससी एग्जाम है, तो यूपी के बुलंदशहर में नरोरा परमाणु बिजली घर 1989 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, कल्पक्कम परमाणु बिजली घर तमिलनाडु के चेन्नई में। यह भारत का एकमात्र स्वदेशी रिएक्टर है, बाकी सभी जो रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, मतलब ये घर परमाणु बिजली घर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल्पक्कम परमाणु बिजली घर तमिलनाडु के चेन्नई में। कल्पक्कम बिजली घर में ही भारत का एकमात्र स्वदेशी रिएक्टर कार्यशील है, बाकी सभी परमाणु बिजली घरों में जो रिएक्टर हैं वो विदेशी सहायता से, विदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। ये भारतीय टेक्नोलॉजी से बना हुआ रिएक्टर है, कहाँ पे? कल्पक्कम परमाणु बिजली घर में। नेक्स्ट, कल्पक्कम परमाणु बिजली घर को ही परमाणु गांधी, सॉरी, कल्पक्कम परमाणु बिजली घर को ही इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। ये हमेशा पूछता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? कल्पक्कम में है या फिर चेन्नई में है? अगर कल्पक्कम विकल्प में नहीं रहेगा तो चेन्नई के कल्पक्कम में, याद रख लीजिएगा, चेन्नई में ही ना कल्पक्कम। नेक्स्ट, कैगा परमाणु बिजली घर कर्नाटक में। ठीक है, भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर, भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर कैगा परमाणु बिजली घर में ही स्थापित है। ठीक है, इसको फिर से लिखिए, कैगा परमाणु बिजली घर कर्नाटक में, भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर कैगा परमाणु बिजली घर में ही फ्रांस की सहायता से स्थापित है। इसकी स्थापना फ्रांस की सहायता से की गई। नेक्स्ट, 20वें जो 20वां परमाणु रिएक्टर है वो फ्रांस की सहायता से स्थापित हुआ, कहा? कैगा परमाणु बिजली घर में। नेक्स्ट, कुडानकुलम परमाणु बिजली घर या कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है, कहाँ पे? जिला कौन सा है कुडानकुलम? कौन से जिले में है? तिरुनेवेली जिला में, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा, पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा कि कुडानकुलम किस जिले में है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली में,
तिरुनेवल्ली में, मदुरै में इस तरह से चार विकल्प दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब एक जैसे लग रहे हैं। तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवल्ली, नाम टेढ़े टेढ़े होते हैं है ना, नागपट्टनम इस तरह से करके। तो याद रखिए तिरुनेवल्ली जिला में। हाँ, कुडानकुलम जो परमाणु बिजली घर है किसकी सहायता से स्थापित हुआ? रूस की सहायता से है ना। भारत का 21वां और 22वां परमाणु रिएक्टर कुडानकुलम प्लांट में ही स्थापित है। 21वां और 22वां भारत में कितने हैं परमाणु रिएक्टर अब तक? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्थापित किए जा चुके हैं, 21वां और 22वां कुडानकुलम बिजली घर में है। ओके, हाँ एक पॉइंट से हम और लिख लीजिए, हालांकि अभी परमाणु विद्युत वाला चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, अगला वीडियो भी इसी पर रहेगा, और भी बहुत सी टेक्निकल बातें जो बार बार पूछी जाती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं है ना, उसमें अभिक्रिया कैसे होती है यूरेनियम की है ना, और नियंत्रित कैसे किया जाता है, मंदक क्या होता है ना, तो ये सब उस अगले वीडियो में पढ़ लीजिएगा, यानी रिएक्टर्स यानी परमाणु बिजली उत्पादन की टेक्नोलॉजी के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। यूरेनियम 235 क्या होता है, यूरेनियम 238 क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए ऐसे करके, हाँ वर्ष 2010 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर, वर्ष 2010 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जैतपुरा में परमाणु रिएक्टर की स्थापना का निर्णय लिया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत ने फ्रांस के साथ वर्ष 2010 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जैतपुरा में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने हेतु समझौता किया था। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये 2010 में समझौता हुआ था, हालांकि कुडानकुलम का समझौता 2010 में ही हुआ था लेकिन बड़ा लेट हो गया, 21वां और 22वां रिएक्टर अब जाके बना है, 21वां 16 में संचालित हुआ और 22वां 2017 में संचालित हुआ। ये हुए परमाणु विद्युत उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और समय से संबंधित बातें, बाकी अगले वीडियो में। नमस्कार।